Question number 14.5 is, in order to measure the current in a circuit, why ammeter is always connected in series? So, जब हमें मेयर करना होता है करंट की वैल्यू को तो हम एमीटर को सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है। सो सीरीज़ में ही हम क्यों कनेक्ट करते हैं, एक तो अगर हम सीरीज़ कम्बिनेशन को देखें तो हमारे पास किस तरह से होता है, ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट जो है वो हर एक एक रेजिस्टर के अक्रॉस सेम रहता है, ठीक है। तो अगर हम सीरीज़ में अटैच करेंगे तो हमें एक जो है परफेक्ट रीडिंग मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जितना करंट हमारा सर्किट से आ रहा होगा, यानी जो भी हमने सोर्स अप्लाई किया है, उतने का उतना करंट हम रीड कर पाएंगे अगर हम सीरीज़ में अटैच करेंगे एमीटर को, ठीक है। सेकेंडली क्या वजह है कि इसकी लो इम्पीडेंस होती है। लो इम्पीडेंस मीन्स यानी लो रेजिस्टेंस, ठीक है। इम्पीडेंस का वर्ड हम रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या वजह होती है कि एमीटर जो है उसमें जो हम शंट रेजिस्टेंस अटैच करते हैं इन अ पैरेलल, यानी गैल्वेनोमीटर के साथ जब हम पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस अटैच करते हैं तो इस पूरे को हम नाम देते हैं एमीटर का, ठीक है, एमीटर। अब ये जो शंट हमने अटैच की हुई है पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ, ये बहुत लो रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके शंट मीन्स स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से अगर हम इसके अंदर से बहुत ज़्यादा करंट पास आउट करवाएंगे एक लिमिट से ज़्यादा, तो क्या होगा कि ये हमारा सर्किट ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एमीटर को पैरेलल में अटैच कर देंगे, ठीक है, इस तरह से अटैच कर देंगे तो क्या होगा कि इसकी लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो हमने शंट रेजिस्टेंस यूज़ की है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा करंट जब पास आउट करेगा तो हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक कर जाएगा। तो इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए और एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए हम एमीटर को सीरीज़ में अटैच करते हैं ताकि हमारी एक्यूरेट रीडिंग आ सके, क्योंकि सीरीज़ में जो है हर रेजिस्टर के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करता है। एंड सेकेंडली चूँकि इसकी लो इम्पीडेंस होती है, लो रेजिस्टेंस होती है, लो रेजिस्टेंस की वजह से अगर बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो कर जाएगा तो हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक कर जाएगा। इस सारी सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए हम एमीटर को सीरीज में अटैच करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14.6 एंड 14.6 इज, इन ऑर्डर टू मेजर द वोल्टेज इन अ सर्किट, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल डिस्कस। सो हम लोगों ने पहले बात की जिस तरह करंट के लिए, अब हमें पूछा गया है कि वोल्टेजेस को अगर मेजर करना हो तो वोल्टमीटर को ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो है, लेट सपोज ये हमने कनेक्ट किया, ठीक है, तो जितना हम वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं हर रेजिस्टर को उतना ही वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस सर्किट के साथ जो वोल्टमीटर अटैच करते हैं वो भी पैरेलल में अटैच करते हैं, ठीक है। पैरेलल में ही क्यों अटैच करते हैं, ताकि जितना इसको वोल्टेज मिल रहा है, जितना इसको मिल रहा है, जितना इसको मिल रहा है, उतना ही इसके अंदर से पास आउट हो और हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल सके, ठीक है। अगर ऐसा अगर हम सीरीज़ में अटैच कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। कुछ रेजिस्टर R1 के क्रॉस, कुछ R2 के क्रॉस, कुछ R3 के क्रॉस, लाइक अगर हम लोग वोल्टेज दे रहे थे 20 वोल्ट्स, ठीक है, फ्रॉम द बैटरी, तो कुछ 12 वोल्ट्स लेट सपोज यहाँ पे आ गए, 2 वोल्ट्स यहाँ पे आ गए, तो 12 एंड 6 वोल्ट यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अगर यहाँ हमने वोल्टमीटर अटैच किया हो तो क्या होगा, यहाँ तो डिफरेंट रीडिंग है, फिर अगेन आगे वोल्टेज ड्रॉप हो गए और कुछ और रीडिंग आ गई, तो हमारे पास कोई एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ रही। जबकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज जो ड्रॉप होते हैं, वोल्टेज हर एक एक रेजिस्टर को उतने ही मिलते हैं जितने बैटरी से प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। इसलिए एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए हम वोल्टमीटर को भी पैरेलल में अटैच करते हैं ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट रीडिंग आ सके। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। द नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाउ मेनी वॉट आवर्स आर देयर इन 1000 जूल। सो वॉट आवर के अंदर कितने 1000 ऑफ जूल्स प्रेजेंट हैं। सो इस चीज़ को हमने कैलकुलेट करना है। अब
अब हमें पता होना चाहिए कि 1 kWh किसके इक्वल होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के, ठीक है। सो ये हमें क्या बता रहा है कि हम लोग जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, सो ये क्या है 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हमें पहली बात है कि कहाँ गया वॉट आवर, ठीक है, कि कितने वॉट आवर होंगे इन 1000 जूल्स में, ठीक है। अगर हम अपनी ऊपर की इक्वेशन देखें तो पहली बात है कि इसमें 1 kW है, ठीक है, और हमें सिर्फ क्या चाहिए वॉट आवर, ठीक है। इट मीन्स हमें पहले इस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली कि यहाँ पे हमें हमारे पास 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स है और अब हमें किस में चाहिए सिर्फ वॉट आवर जो है वो 1000 जूल्स के अंदर उसकी रीडिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि पहली बात है कि हमें वॉट आवर चाहिए, इट मीन्स किलो 1 kilo हमें नहीं चाहिए, ठीक है। 1 kilo अगर इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको अगर रिमूव करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वल के, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा इट मीन्स ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था वॉट के साथ, इस तरह से हम लिख लेते हैं इसको ताकि क्लियर हो जाए, 1 kilo वॉट आवर, ठीक है। सो यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा वॉट आवर, ठीक है, जो हमें चाहिए। किलो का मतलब हमारे पास होता है जी 10⁻³ यानी 1000, ठीक है। जाओ अब ये 10⁻³ नीचे आ रहा है, हम इसको अगर ऊपर ले जाएं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, किस तरह से 10⁻⁶ × 10⁻³ - 3 जूल, ठीक है। और ये हमारे सारा किसके इक्वल आ रहा है वॉट आवर के, ठीक है। अब यहाँ पे जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब ऐड किस तरह से होंगी, क्योंकि हमारे पास एक पावर पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, एडिशन ही होती है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से होगी 6 + −3, ठीक है, क्योंकि दूसरी वाली के साथ माइनस साइन है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा वॉट आवर इक्वल्स टू 3.6 × 10⁻³ जूल्स, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, वॉट आवर को हमने 1000 जूल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले तो हमें 1 joule की वैल्यू पता होगी तभी हम उसको 1000 जूल में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो अब हमारे पास वॉट आवर की वैल्यू आ रही है वो 3.6 × 10⁻³ जूल के इक्वल है और हमें क्या चाहिए जस्ट 1 joule। इट मींस इसको 1 करने के लिए ये वैल्यू इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 1 / 3.6 × 10⁻³ वॉट आवर इक्वल्स टू 1 joule, ठीक है। जस्ट क्या किया, यहाँ पे हमें 1 चाहिए था तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा था हम उसको दूसरी साइड पे ले गए तो वो आके उधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 / 3.6 × 10⁻³। सो हमारे पास आंसर आएगा 0.00278 वॉट आवर इक्वल्स टू 1 joule, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ चुके, ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, 1 joule हमारा इतने वॉट के इक्वल आएगा, ठीक है। हमने क्या करना था वो बताना था कि कितने वॉट आएंगे 1000 जूल के अंदर। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, अभी हमने जस्ट 1 joule कैलकुलेट किया है कि 1 joule के अंदर 0.00278 वॉट आवर जो है आएंगे, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने 1000 joule के लिए कैलकुलेट करना है, इट मीन्स 1000 joule इक्वल्स टू 1 joule के लिए इतना है तो 1000 के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.00278 × 1000, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हमारे पास आ जाएगा जी के 1000 joule इक्वल्स टू 0.278 वॉट आवर। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया फॉर 1000 joule, 1 joule में 0.00278 वॉट आवर आ रहे थे जबकि 1000 joule में अब कितने हो जाएंगे 0.278 वॉट आवर। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं।
And question number 8 is, from our experience in watching cars on the road at the night, are automobile head lamps connected in series or in parallel? So, हमसे पूछा गया है कि हम आमतौर पे नाइट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जो है गाड़ियों की बैक लाइट्स या फ्रंट लाइट्स ऑन होती हैं, हेड लैंप्स उनके ऑन होते हैं, ठीक है. तो हमसे पूछा गया है कि क्या हम क्या सजेस्ट करेंगे उनको देख के कि इनका जो कनेक्शन है वो सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है. सो हमने जिस तरह बात की थी कि हमारे जितने भी घर की चीज़ें हैं उनको भी हम पैरेलल फैशन में अटैच करते हैं. क्यों? क्योंकि पैरेलल में हर किसी के अक्रॉस सेम वोल्टेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है. चाहे आप एक लेट सपोज यहाँ हम फैन यूज़ कर लें, ठीक है, नेक्स्ट हम बल्ब यूज़ कर लें, नेक्स्ट हम हीटर यूज़ कर लें, या कुछ भी, नेक्स्ट आप वॉशिंग मशीन या कुछ भी यूज़ कर लें, जब तक वो पैरेलल में अटैच रहेंगे और उन्हें एक ही कनेक्ट किया जा रहा है वोल्टेज से, तो हर किसी को इक्वल वोल्ट मिलेंगे. यानी 220 वोल्ट्स लेट सपोज हम कह रहे हैं कि यहाँ से हम प्रोवाइड करें, तो हर किसी को 220 वोल्ट्स मिलेंगे, तो वो इफेक्टिवली वर्क कर सकेगा, ठीक है. यहाँ पे वोल्ट्स भी लिख लें. अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो लेट सपोज ये फैन है, ये बल्ब है, और इसी तरह हीटर वगैरह, और हम कह रहे हैं यहाँ से हम 220 वोल्ट्स प्रोवाइड करें. ऐसा हो सकता है कि 100 वोल्ट सिर्फ फैन ले लें, ठीक है, यहाँ पे इतने वोल्टेज ड्रॉप हो गए, नेक्स्ट इसने 20 वोल्ट इधर ड्रॉप हो गए, ठीक है. तो यहाँ पे सारों को एक जितने वोल्टेज नहीं मिले और ये एक जैसा काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यानी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे. तो हम घरों में भी क्या करते हैं, हर चीज़ को पैरेलल में अटैच किया होता है ताकि हर चीज़ को वोल्टेजेस जो हैं वो इक्वली मिल सकें और वो इफेक्टिवली काम कर सकें. अब आते हैं हम अपनी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि हेडलैम्प्स को कौन सा कम्बिनेशन प्रोवाइड किया जाता है. उन्हें भी पैरेलल कम्बिनेशन प्रोवाइड किया जाता है. क्यों? क्योंकि एक तो उनके क्रॉस जो हैं उनको सेम पावर प्रोवाइड की जाए, जितना वोल्टेज पीछे से आ रहा है उनको प्रोवाइड किया जाए और वो इफेक्टिवली वर्क कर सकें. एंड सेकेंडली कि अगर सीरीज में हम कोई चीज़ अटैच करते हैं तो एक चीज़ अगर ख़राब हुई तो आपका पूरा सर्किट जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है. अगर वैन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, लेट सपोज कि कोई सर्किट उसका ब्रेक हो गया है, ठीक है, कोई कनेक्शन फॉल्ट आ गया है, तो वो आगे सारे जो कनेक्शन हैं उनको डिस्टर्ब करेगा. लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में अगर किसी एक चीज़ में कोई ख़राबी आ भी गई है तो बाकी जो हैं वो अपना काम परफॉर्म करती रहेंगी, ठीक है. और ऐसा भी हो सकता है कि हमने शायद एक जो है हेडलैम्प को ऑन करना हो, दूसरे को ऑफ़ करना हो, तो ऑन ऑफ का जो सिस्टम है या जो किसी एक चीज़ की वर्किंग का सिस्टम है वो जस्ट पैरेलल में हो सकता है, सीरीज में नहीं हो सकता. तो इसलिए अगर हम ऑन ऑफ भी करना चाह रहे हैं या हम सारों को इफेक्टिवली उनका काम परफॉर्म करने देना चाहते हैं तो हमें तमाम हेडलैम्प्स को पैरेलल सीरीज में अटैच करना होगा, बल्कि अटैच करना नहीं होगा, और ऐसा ही होता है कि अटैच होती हैं ताकि जो भी काम है वो इफेक्टिवली परफॉर्म किया जा सके. सो ये था हमारे 8 क्वेश्चन का आंसर.